साथियों नमस्कार, मैं रामबाबू पटेल तेल से आज आपके सामने फिर एक नई कहानी लेकर आया हूं। कहानी कहूं या इसको मोटिवेशनल एक वीडियो कहूं, क्योंकि जब भी मैं मुसीबत में होता हूं या किसी बड़ी परेशानी में होता हूं तो इस कहानी को याद करता हूं और इस कहानी से मुझे पावर मिलती है। तो ये कहानी आपके लिए भी अपने जीवन में एक नए सूत्र की तरह काम करेगी। इस सूत्र को अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी आपको किसी भी मुसीबत में, किसी भी परेशानी में आप उससे बाहर निकल जाएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, उसके पास अपार धन संपत्ति थी, किसी चीज की उसके पास कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि कुछ उपयोगी वस्तुएं खरीदी जाए, कुछ ऐसी चीज खरीदी जाए जो अपने आप में अजूबी हो। तो उन्होंने अपने वजीर साहब से कहा, मंत्री से कहा कि मंत्री महोदय, अपने पास खजाने में कोई किसी चीज की कमी नहीं है, अशर्फियां भरी पड़ी हैं, तो आप स्वर्ण अशर्फियां जितनी चाहें उतनी ले जाएं और कोई अजूबी चीज लेके आए जो हमारे राजमहल में ना हो। वजीर साहब ने कहा ठीक है, और वो वजीर साहब बहुत सारी संपत्ति साथ में लेके चल दिए। चलते चलते सोचने लगे, अरे यार राजा के पास तो हमारे पास हर चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो राजा जी के पास नहीं है? और जो भी चीज नई बनती है, मान लो जापान देश में कोई नया उपकरण बना तो तुरंत हमारे राजमहल में आ जाता है, तो किसी चीज की कमी तो है नहीं, ऐसी अजूबी चीज में क्या लेके जाऊं। ऐसे विचार करते जा रहे थे तो उन्हें बीच रास्ते में एक संत महात्मा जी मिल गए। उन्होंने कहा कि बच्चा क्यों परेशान हो? तो मंत्री ने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो अजूबी है और वो अमूल्य है। तो वजीर साहब ने कहा ये सारी संपत्ति आप रख लीजिए और वो अजूबी चीज मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने एक पर्ची के ऊपर एक वाक्य लिखा हुआ था, वो पर्ची को उन्होंने दिया और एक अंगूठी के ऊपर उसमें खंड में रख दिया, ऐसे वो अंगूठी खुलने वाली थी, और कहा कि महाराज से कहना इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लें और जब घनघोर मुसीबत हो, जब लगे कि अब जीवन में कुछ शेष बचा नहीं है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, उस समय आप इस अंगूठी के अंदर का ये ढक्कन खोलना और इसका ये कागज निकाल के उस समय पढ़ना, जब मुसीबत ऐसी हो कि जब उसका कोई उपाय शेष ना हो उसी समय निकालना। ठीक है, वजीर साहब ने कहा, और वजीर साहब उस अंगूठी को लेके महाराज के पास पहुंचे। महाराज ने बिगर कोई सवाल जवाब किए उस अंगूठी को अपने हाथ में पहन लिया। वजीर साहब ने कहा कि महाराज ये अंगूठी अमूल्य है, इसके अंदर जो एक कागज रखा है उसमें एक वाक्य लिखा है, उसको उसी समय खोलना जब आप पर ऐसी मुसीबत हो जिसका कोई हल ना हो। राजा साहब ने कहा ठीक है, और राजा साहब ने वो अंगूठी पहन ली और वो बात को भूल गए। एक बार क्या हुआ कि पड़ोस का एक शत्रु राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया उसने और राज पूरा उन्होंने छीन लिया। राजा की स्थिति यह हो गई कि पीछे उसकी शत्रु सेना लग गई, और जब शत्रु सेना पीछे लगी तो राजा भागते 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 जंगल में पहुंच गए, लेकिन शत्रु सेना के जो घोड़ों की आवाज, टापों की आवाज राजा जी को जब भी सुनाई दे रही थी। राजा बहुत भयभीत था, व्याकुल था, घबरा रहा था कि आज तो मेरे प्राण बचेंगे नहीं, आज तो जीवन मेरा समाप्त हो जाएगा। उसी समय वो एक खदान में जाके कूद गए और उन्होंने अंगूठी को खोला, उसका ढक्कन, उसमें लिखा था ये वक्त भी बीत जाएगा, ये वक्त भी नहीं रहेगा, ये समय भी बीत जाएगा, आप जैसा भी समझें उसको। राजा का मन एकदम शांत हो गया, धीरे धीरे टापों की आवाज आना बंद हो गई। राजा वहां से जंगल से बाहर निकले, अपने संबंधियों से, अपने नाते रिश्तेदारों से मदद मांगकर धीरे धीरे उन्होंने फिर से अपनी एक विशालकाय सेना खड़ी की और अपने राज्य पर, जो उनका अपना स्वयं का राज था, उस पर आक्रमण कर दिया और वो शत्रु राजा जो कब्जा करके बैठा था उसको पराजित कर दिया और पुनः उस राज्य को जीत लिया। जीतने के बाद राजा अपनी मस्ती में फिर से रहने लगे और एक दिन वो सिंहासन पर बैठे थे, जो नाचने वाली वेश्याएं हैं, जो नाचने वाली नृत्यांगना हैं, वो डांस कर रही थी, नाच रही थी, बहुत आनंद से समय व्यतीत हो रहा था। क्या मालूम राजा को क्या सूझी कि उन्होंने फिर से वो अंगूठी को खोला और उसमें फिर से उस कागज को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था ये समय भी
बीत जाएगा या ये वक्त भी नहीं रहेगा। राजा को कहां यार, ना वो समय रहा था ना अब ये भी समय नहीं रहेगा। राजा को इसका ज्ञान हुआ। राजा ने तुरंत सिंहासन छोड़ के सन्यासी की वेशभूषा अपना ली, अपने पुत्र को सिंहासन सौंप दिया। तो कहानी का सार केवल यह है कि हम कितने भी मुसीबत में हों, एक दिन वो मुसीबत समाप्त हो जाती है। अंत में हमको लगता है कि हम बेवजह उस मुसीबत से इतना परेशान हो रहे थे, और जबकि वो मुसीबत कुछ भी नहीं थी। आज उस मुसीबत के बारे में सोचते हैं तो बड़ी हंसी आती है। तो साथियों, अगली कहानी लेकर फिर मैं कल उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।